हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआर सक्सेस शॉर्ट। केआर सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे क्लास नाइन्थ की आर्थ अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2, यानी कि पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मैंने करा दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और आज मुझे कराना है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई मतलब कि कोई चीज़ आपको दी गई हो तो आपको ये प्रूफ करना होता है या ये शो करना होता है कि जो भी गिवन हमें जो चीज़ें होती हैं ना, जो भी चीज़ें हमें दिया होता है, जो भी स्टेटमेंट है, कोई वैल्यू है अगर, ठीक है, जैसे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई वैल्यू है, तो हमें ये करना होता है कि बस उसे वेरीफाई कराना होता है। जैसे आपको दिया हुआ है कि 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको यहाँ बताना है फर्स्ट पार्ट में कि 4 जो है वो क्या है, वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। पी एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस 4, तो करते क्या है, अगर 4 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स कि अगर हम एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। सिंपली यही बात हुई। तो इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की जगह आप 4 रख दो और ये चेक कर लो कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो पहला वाला देखो लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। आपको क्या करना है, वेरीफाई 4 को करना है। 4 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पुट कर लो यहाँ पे एक्स की जगह 4, एक्स की जगह 4, तो पी 4 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और यही आपको प्रूफ करना था, यही वेरीफाई करना था कि जो 4 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम सारे वेरीफाई करेंगे। सेकेंड पार्ट देखो इसका, आपसे कह रहा है माइनस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि माइनस 3 क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। किसके लिए, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, माइनस 3। तो एक्स की जगह माइनस 3 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम क्या है, नंबर्स हैं, बट साइन क्या है, अपोजिट है साइन। तो दोनों कैंसिल होकर क्या मिलेंगे हमें, 0 मिलेंगे। तो ये भी हो गया आपका वेरीफाइड, बिकॉज ये भी क्या है आपका, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, माइनस 1/2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो किसके लिए है ये। अच्छा देखो, मैंने फोर्थ वाला पढ़ दिया है, थर्ड वाला 2/5 के लिए कह रहा है। किसके लिए है ये, एफ एक्स के लिए है। और क्या है इसकी वैल्यू, 2 - 5x। एक्स की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2/5 थर्ड वाले पार्ट में। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 2/5 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 - 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2/5, तो ये 2/5। तो देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये 5 है मल्टीप्लाई और ये क्या है, 2/5 है, यानी कि 1/5 होगा ये, मल्टीप्लाई के साथ अगर देखें तो ये अपॉन में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 2 - 2, ये किसकी वैल्यू है, एफ 2/5 की। और 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, ये क्या हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट आपको शो करना है जी वाई के लिए, ये है 2y + 1। क्या शो करना है, -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो -1/2 पुट करो यहाँ पे, जहाँ जहाँ y है 2 - y की जगह पुट करना है -1/2, यानी -1/2। ब्रैकेट में लिख सकते हो तो लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। ये मल्टीप्लिकेशन का क्या है, ये ऑपरेशन है यहाँ पे, और माइनस क्या है, ये 1/2 के साथ साइन है, ठीक है, +1। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या आया, -1 + 1। -1 और +1 जो है वो क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। और ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। दैट मीन्स कि ये है क्वेश्चन नंबर 6 के आपके चारों पार्ट। देखो सारे ही इसके पार्ट्स जो है वो वेरीफाई हो गए हैं। आप देख लो एक बार इसको अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, उसे दोबारा करा दिया जाएगा। ओके, सो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ये भी आपका है वेरीफाई। वेरीफाई करना है इसको भी सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को करा है। बस इसमें क्या है कि इसमें एक वाले पार्ट में दो दो वैल्यू दी हुई है, यानी कि आपको दोनों वैल्यू से क्या करना है, इसको वेरीफाई कराना है कि ये क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपसे कह रहा है 1 and 2 आर द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 2।
इसके लिए आपको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले वन के लिए कर लेते हैं या फिर टू के लिए कर लेते हैं। अगर वन के लिए करना है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें वन पुट करना होगा, तो पहले वन पुट कर लेते हैं। तो ये देखो वन का स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई वन प्लस टू, तो ये पी वन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, वन माइनस थ्री प्लस टू। अब देखो ये टू प्लस के साथ है और ये वन प्लस के साथ है, तो ये हो गया थ्री और ये माइनस थ्री, तो यहाँ से आपका पी वन का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया ज़ीरो, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। हमें क्या निकालना था, हमें ज़ीरोज़ ऑफ़ द पॉलिनोमियल शो करना था, इसको वेरीफाई करना था कि ये ज़ीरोज़ ऑफ़ द पॉलिनोमियल हैं, यानी कि हम जहाँ भी उसकी वैल्यू पुट करेंगे वो क्या देगा हमें आउटकम, हमें ज़ीरो दे देगा। तो ये ज़ीरो आ चुका है। इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो अब क्या करना है हमें, पुट टू करना है, तो हम टू पुट कर लेंगे, तो ये हो गया आपका स्क्वायर थ्री मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टू, तो ये हो चुका है फोर माइनस सिक्स प्लस टू। अब देखो ये प्लस फोर और ये प्लस टू, ये हो गया सिक्स माइनस सिक्स, तो यहाँ से पी टू की वैल्यू हो चुकी है ज़ीरो, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई कर रहे हैं ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला देखो, पहला कह रहा है टू एंड माइनस थ्री आर द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके लिए, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टू के लिए लेके चलते हैं, तो क्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम टू पुट करेंगे। ठीक है, ये फोर हुआ प्लस टू माइनस सिक्स और ये हो गया सिक्स माइनस सिक्स, यानी कि क्यू टू की वैल्यू ज़ीरो आ चुकी है, ये वेरीफाई कर गया। नेक्स्ट देखो हमें करना है माइनस थ्री पुट, तो मैं यहाँ से कर रही हूँ ताकि थोड़ा आसानी से हो जाए, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो अब देखो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हमें पुट करना पड़ेगा क्या, माइनस थ्री, तो ये देखो x की जगह माइनस थ्री पुट करते हैं, तो ये हो गया माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ये माइनस थ्री हो जाएगा। अभी आगे हम इसका साइन चेंज कर लेंगे। तो देखो माइनस थ्री मैंने आपको कल यानी कि लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि अगर माइनस के साथ कोई नंबर है और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि जब भी उसके पावर में हमारा इवन नंबर होगा तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ऑड नंबर होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो देखो इसके स्क्वायर में यानी इसके पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी नाइन। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस सिक्स, तो यहाँ से q माइनस थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट के लिए जो है हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे रफ कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। थर्ड पार्ट में देखो आपका कह रहा है कि ज़ीरो एंड थ्री आर द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स के लिए, और आर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। तो पहले ज़ीरो के लिए कह रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर लेते हैं, ज़ीरो स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो माइनस ज़ीरो, यानी कि आर ज़ीरो की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, ज़ीरो। अब हमें आर थ्री की वैल्यू भी ज़ीरो लेके आनी है, तभी ये वेरीफाई होगा। तो हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, थ्री रख लेंगे, तो ये देखो r, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 9 माइनस 9, और ये r3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। तो जब भी आपसे कहा जाए कि ज़ीरोज़ ऑफ़ द पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है, तो आपको वैल्यू पुट करनी होगी जहाँ जहाँ पे आपको एक्स वाई जेड जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से उसे ज़ीरो लेके आना होगा, तो वो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं इसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको फाइंड करना है द ज़ीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम वेरीफाई कर रहे थे कि ज़ीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी हमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसे हम वेरीफाई कर रहे थे कि ये ज़ीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल है। वेरीफाई कैसे करते हैं हम, वहाँ पे क्या करते हैं, जो आपको वैल्यू दी हुई होती है उसे पुट करके ज़ीरो के इक्वल दिखा देते हैं। मतलब कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर ज़ीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल है तो हमें वो वैल्यू ज़ीरो शो करनी है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कि वो वैल्यू कौन सी है जो ज़ीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल हो, यानी कि वो वैल्यू कौन सी है जिसे पुट करने पर हमें एफ एक्स या फिर जी एक्स या फिर आर एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, कहने का मतलब जैसे पहला पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, आपको बताना है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं करना है, यहाँ वाली वैल्यू को ज़ीरो कर देना है,
जब भी आपसे पूछे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को जीरो कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। क्लियर? अब इस माइनस फाइव को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि x को इधर ले जाएं तो ये माइनस में हो जाए, फिर माइनस माइनस कट करें, तो ऐसा नहीं सही है। कर भी सकते हैं, जिसको जैसे मन करे वो करे। तो हमें पता है ना कि जब हम कोई भी नंबर इक्वल टू के इधर या इधर ले जाते हैं तो साइन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में। माइनस फाइव को अगर हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू फाइव। यानी कि x इज इक्वल टू फाइव क्या है इसके लिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक वैसे यहाँ पे भी क्यू एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। मतलब कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो जीरो हैं, तभी तो पूछ रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो कर दिया। तो ये एक्स प्लस फोर, अब फोर को अगर हम इक्वल टू को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, और एक्स तो यहीं रहेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि अगर फोर को उधर ले जाके लिखेंगे ना ऐसे, तो ये एक्स इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस फोर इधर हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसे सीधा करके लिख दिया है। अब यहाँ पे जीरो कर दो तो ये हो गया 2x प्लस फाइव। माइनस फाइव को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस फाइव, या तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस फाइव, और ये डिवाइड बाई टू। क्लियर? यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी fx इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वन। वन को इक्वल टू किस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस वन, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई थ्री। बहुत ईजी है, यहाँ पर भी जीरो पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 माइनस फोर एक्स। अब देखो ये क्या है, माइनस के साथ है, हमें ईजी ये पड़ता है कि अगर हम माइनस वाले को इक्वल टू के उस पार ले जाएं तो वो प्लस हो जाता है, इसको अगर हम उधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 बाई फोर। ठीक है, अब यहाँ से इसको जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस टू। टू को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू हो गया 6x, या x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई सिक्स, यानी कि 1 बाई थ्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई थ्री। अब आती है बात सेवन्थ पार्ट की, तो शायद ये बहुत ज़्यादा नीचे है और दिखाई देगा या नहीं देगा, मुझे लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। px इज इक्वल टू ए एक्स है और दे रखा है कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये जीरो नहीं है, तो वही चीज़ करेंगे ना, यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट करते हैं, इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। और ये जीरो है नहीं, इसने दे रखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू कोई भी नंबर होगी, और कोई भी नंबर होगी तो अगर यहाँ पे हम कोई भी नंबर ही ले लें तो, और डिवाइड करेंगे जीरो में, तो हमेशा आंसर जीरो ही आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए मैं ये वाला पोर्शन रफ कर दे रही हूँ, ये सिक्स वाला पोर्शन जो है आई होप कि सबने कर लिया होगा, यहाँ से जितने नहीं करा है वो यहाँ से नोट कर लेगा। तो यहाँ पे क्यू एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स है, तो हमें क्या करना है, जहाँ क्यू एक्स है वहाँ जीरो कर देना है, इज इक्वल टू फोर एक्स, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बाई फोर हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम निकालते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसी भी नंबर के लिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये है आपका एक्सरसाइज 2B का लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पे कह रहा है आपको कि इफ़ 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो वो दिया हुआ है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हमें यहाँ से फाइंड करना है a और b की वैल्यू, और ये भी आपको गिवन है कि इफ़ 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे जो ये 2 और 0 है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार 2 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। तो चलो रख लेते हैं, पहले हम f2 के लिए निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2, और x की जगह हम रखेंगे 2, तो ये हो गया क्यूब माइनस 5, x की जगह 2 रखा प्लस a, x की जगह 2 रखेंगे और प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2a प्लस b,
ये हो गया 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस बी, तो ये क्या हो गया माइनस 4 प्लस 2a प्लस बी। इतना क्लियर है? अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यू आई है आपकी f2 की आई है, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है आपकी f2 की आई है, और आपसे ये भी कहा है इफ़ 2 एंड 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल, मतलब जो 2 और 0 हैं ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू 0 है। 0 है मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका 0 इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2a प्लस बी। इस माइनस 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मानना चाहो तो। सेकंड इसका है, अब आप एक बार जो है x की जगह 0 पुट कर लो, तो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर हम x की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस बी। तो ये 0 हो गया, क्योंकि 0 क्यों हुआ, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ नहीं करना है तो हम आखिरी वाले स्टेप में करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 और ये प्लस बी। अब देखो ये सब 0 हो गया, और ये कहा है कि 0 जो है वो क्या है आपका, वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब कि ये टर्म तो आपका वैसे भी 0 है। तो ये हो गया आपका, ये सब 0 है तो ये हो गया बी, यानी बी की वैल्यू 0 आ चुकी है। क्लियर? आपको निकालना था a और b, तो b की वैल्यू तो आपने निकाल ली है लेकिन a नहीं निकल पाया, तो इस b को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये b इज़ इक्वल टू 0 वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें a का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, पुट करिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे। तो ये हो गया 4, 2a की वैल्यू 4 आ गई है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 4 बाई 2, ये कट गया तो आ गई 2, यानी कि a की वैल्यू जो है वो क्या आई है, वो 2 आई है, और b की वैल्यू आई है 0 आई है, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, और b की वैल्यू 0 आ गई है, और यही आपकी a और b की वैल्यू है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा आपका फ्रेंड सेशन आपका आज का, जिसमें आपका एक्सरसाइज नंबर 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 2C के लिए होगा फ्रॉम आरएस अग्रवाल ऑफ क्लास 9th। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्लास समझ में आ गई होगी। और वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है ना, क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। और क्या आप जानना चाहते हैं, या फिर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।